आमतौर पे आम जो नागरिक था ये सोचता था कि यार नेता आ रहे हैं तो पता नहीं 10 बजे का आया तो 12-1 बजे आएगा। आपके जो इस 6 बजे चलने से ये तय हो गया कि टाइम पे उठेंगे और 6 बजे शेड्यूल टाइम पे पहुंचेंगे। राजीव जी के साथ भी काम किया हमने, आपके साथ भी। राजीव जी तो 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे, आप 5 बजे के बाद नहीं सोने देते, पहले तो भागते मारा, अब क्या करें। 2 दिन पहले मैं निकला तो चाय पीने रुका, और जब पैसे देने गया तो उसने पूछा कि तुम राहुल गांधी के साथ चल रहे हो? मैंने कहा तेरे पैसे नहीं चाहिए। वो छोरा बहुत मेहनत कर रहा है, छोरा मजबूती से चल रहा है, हमें सुन रहा है, तेरे पैसे नहीं चाहिए। मोदी को बेनकाब करने का काम किया है हर मुद्दे को लेकर के, चाहे वो आर्थिक उनकी नीति है, चाहे जो सामाजिक और धार्मिक भेदभाव जो चल रहा है, उन चीजों पर जो आपने बेहतर ढंग से अटैक किया, और वो बहुत बेहतरीन लगा आपका जो आपने जेब कतरा वाला जो ये कह देना था कि जेब कतरा कभी अकेला काम नहीं करता है। हाँ। मतलब वो दो तीन आते हैं एक साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो व्यापारी वर्ग था, इसमें पहले बीजेपी की चर्चा थी, राहुल गांधी जी की इस यात्रा से उनके दिमाग में भी ये बात आई कि ये व्यक्ति आया जो हमारी बात करता है, जिसने महंगाई की बात की है, जिसने बेरोजगारी की बात की है, और जो व्यापार है वो भी आजकल चल नहीं रहा। जिससे मैं कटिंग कराता उसका कोई राजनीति रूप से उसका कोई कटिंग, मतलब दूसरे राजनेताओं की कटिंग या अपने बाल की कटिंग? बालों की कटिंग, बाल कटिंग। उसका मैं एक आम आदमी के भावनात्मक रूप से जुड़ने की बात कर रहा हूँ, वो कैसे वो लोग जुड़े हुए, इससे कैसे वो बात करते हैं। एक तो हम जिसको जाके कह रहे हैं आओ भाई, एक तो ये बात होगी, एक अपने आप जो जुड़ने की बात कर रहा है, उस फर्क को मैं बताना चाह रहा हूँ। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अपना विजन दिखा रहे हैं, और जो कांग्रेस का सच्चा विजन है वो हमें दिखाना चाहिए। यस। जिस दिन से हमारी यात्रा चली, ड्यूरिंग द सेशन आल्सो, जैसे हम लोग एंटर किए तो वैसे सब 5-6 MLA फरीदाबाद गुड़गांव साइड सोना वाले सब लोग बैठे हुए थे, एक साइड पे बैठे हुए थे, 5-6 वो बीजेपी वाले थे। तो जैसे ही देख के, और बहन जी जुड़ गया भारत? हाँ। उनमें से मिस्टर गुप्ता फरीदाबाद वाले MLA बोले, बहन जी हमें तो ये पता है, हमारा घर परिवार मोहल्ला एक भी व्यक्ति बीजेपी का नहीं बचा जो राहुल जी की यात्रा देखने नहीं पहुंचा हो। जब पहला दिन था तो सबका था कि भाई यात्रा हरियाणा में 8-9 दिन चलेगी, कब खत्म होगी? अब ऐसा हो रहा है यार, कल खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब ये सम मैजिक विच वी आर कलेक्टिवली क्रिएटिंग। वो जो रोप होल्ड किया हुआ था वुमेन्स, उस पे महिला दिवस पे तो मैं अंदर थी, तो वो बार बार भाइयों को, वो बहनों को निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई आप परेशान हो रहे हो, हमारे लिए व्यवस्था में हो तो दिल से आप लोगों का शुक्रिया। कह रहे जी परेशान तो सरकार से हैं, ऐसे ऐसे रस्से तो पूरे साल पकड़ लेंगे राहुल जी के लिए और कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस के लिए, बस सरकार बदल दो। The visuals are so powerful when you have the elderly around you, when you're walking with people from the street, with the youngsters, I think that is something which is very impactful. आपकी टी शर्ट के ऊपर सवाल हर गांव वाले ने पूछा कि राठौर साहब राहुल जी आएंगे, पूछ के बताइए भाई वो क्या खावे हैं, खावे क्या? वीडियो बनाना पड़ेगा भाई। ये खाने की बात रहती है ना सर आपकी, तो कई एक दोस्त पूछते हैं, कहता यार ये देख तो सही है सवेरे खावे क्या है, सुबह सुबह ये ना ठंड क्यों नहीं लगती? तो मैं कई बार कोशिश करता हूँ सर, आप वो जो गिलास में आप दूध पीते हो ना सर, क्या है? हमें कॉफी है, कॉफी है क्या है? मैं कहा यार कुछ पीते तो है, पता नहीं शेक सा है, पता नहीं खाने क्या खाते हैं। और एक ज्यादा दूध पीता हूँ उसमें बहुत थोड़ी सी कॉफी डालता हूँ। हमारे यहाँ जो है ना वाड़ी कहते हैं, दोस्त से वाड़ी, तो दूसरे तो कह रहा हूँ वाड़ी, यू तो हवा से भी तेज चल रहा है। एक सरदार था, कल वो जा रहा था साथ साथ में, आपने कोशिश की उसको बुलाने की, वो भीड़ में कई बार रह जाते हैं, आज मुझे मिल गया वो। तो मैंने कहा सॉरी आपको राहुल जी चाह रहे थे लेकिन बात नहीं बन पाई, आप साथ साथ चले। ये तो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मेरे से उन्होंने बात भी करनी चाही, मुझे उनकी नजरों में कुछ लग रहा था ट्रू खालसा है राहुल गांधी। प्रोग्रेस का जो पैराडाइम था जो कांग्रेस क्रिएट करती है कि हाँ हम तरक्की करेंगे इसलिए हमारी वोट दो, हम भाईचारा करेंगे इसलिए वोट दो, नहीं, वो डिवीजन के आधार पर वो वोट बटोरते हैं, उससे प्रोग्रेस को वो सप्लीमेंट कर लेते हैं, उन्हें लाइटर वे। एक बूढ़े आदमी ये कह रहे थे, बोले यार ये जाड्डा तो चढ़ना चाहिए था राहुल गांधी को, सर्दी को हम जाड्डा कहते हैं,
ये चढ़ा हुआ है बीजेपी वालों को, ये चक्कर नहीं समझ में आया। ना तो जाड़े से डरता, ना ये ठाड़े से डरता, भला इसलिए हम इसके साथ है। ये यात्रा जो है ना वो तब्दील हो चुकी है जन आंदोलन में, कोई शक्ति बात नहीं है। मगर एक बात मैं चाहता हूँ कि अब यात्रा में सब एक साथ चले, आपको एक साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, मोहब्बत की यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दुकान खोलनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।